जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटी मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसको हम WCS भी कहते हैं, उसके 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20 क्वेश्चन हमने जो पिछले साल CBT एग्जाम हुआ था फिटर ट्रेड के लिए 16/3/2021 को, वहां से लिए हैं। लेकिन जो WCS का सिलेबस है वो सभी ट्रेडों के लिए कॉमन ही होता है, इसीलिए ये सभी ट्रेड के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सेम क्वेश्चन दूसरी ट्रेड के पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं, तो सभी ट्रेड के बच्चे ये 20 क्वेश्चन जरूर ध्यान से देखें कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे WCS के। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो बिना वक्त गवाए। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है 41, क्योंकि इससे पहले जो 40 क्वेश्चन थे वो हमारे ट्रेड थ्योरी के थे। फिटर ट्रेड के लिए ये पेपर है, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो 40 क्वेश्चन हम सेपरेट वीडियो में कर चुके हैं। जो बच्चे फिटर ट्रेड के हैं वो वीडियो भी जरूर देख ले ताकि पता लग जाए पिछले साल का पेपर कैसा आया था और उसको तैयारी कैसे करनी है उन बच्चों को। लेकिन ये WCS के कॉमन है सभी के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, या हम पेपर के हिसाब से कह सकते हैं 41, और इस तरह की सीट आप भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप पेपर देकर आओगे तो जब रिजल्ट आपका आएगा तो रिजल्ट के टाइम पे आप ऐसे आपकी आंसर शीट आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने भी ये किसी बच्चे की डाउनलोड कर रखी है आप लोगों को समझाने के लिए, तो आप भी ये डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन पहला था हमारा WCS का, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, गति की इकाई पूछी गई है, स्पीड की इकाई। देखो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, और टाइम की होती है सेकेंड। तो स्पीड की जो यूनिट है वो क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में देखो ये कहां पर है, मीटर पर सेकेंड, ए ऑप्शन ही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो क्या था, ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, हाउ मैनी वाट्स फॉर वन हॉर्स पावर इन द मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। एक HP में कितने वाट होते हैं। ऑप्शन आपके पास 725.5, 735.5 या 745.5 या 755.5 वाट। या मीट्रिक सिस्टम पूछा गया, तो मीट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर में होते हैं हमारे 735.5 वाट। तो आंसर देख लेते हैं ये कहां पर है, बी। तो हमारा जो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 735.5 वाट। हालांकि जो UK है उसमें हम जो एक हॉर्स पावर उसके लिए 745.5 भी यूज करते हैं, तो गूगल करोगे तो कई बार आपको ये भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मीट्रिक सिस्टम में पूछा गया ये ध्यान आपने रखना है। तो यहाँ 735.5 वाट ही आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन इफ द फोर्स ऑफ 250 न्यूटन एक्टेड अपॉन अ बॉडी एंड द बॉडी हैज टू बी मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। यदि 250 न्यूटन बल पर किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी तक चलती है तो कितना कार्य होगा। तो यहाँ वर्क डन आपने निकालना है, तो जो वर्क डन होता है वो होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स यहाँ कितनी दी गई है, 250 न्यूटन, 250 न्यूटन दी गई है। डिस्टेंस कितना मूव करता है, 15 मीटर। तो इन दोनों को जब आप गुणा कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा जूल में। इसमें आ जाएगा जूल में, जैसे गुणा करोगे कितना, 15 को 0 से करोगे 0, 15 पंजे 75 होता है, 7 हमारे हासिल के चले जाएंगे, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, तो ये कितना जाएगा, 3750 जूल। ये ऑप्शन में देख लेते हैं हम कहां पर है, ये रहा हमारा डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, 3750 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का गलनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पर हमारा कोई जो मटेरियल है वो क्या हो जाए, उबलना शुरू हो जाए, बॉइल होना शुरू हो जाए। जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी प्रकार यहाँ एल्यूमिनियम का पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो जो एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 2519 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन के हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2519 डिग्री सेल्सियस। आपने ये याद रखना है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये 45वां, या आप कह सकते हो पांचवा क्वेश्चन हमारी आज की वीडियो का, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज आ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि अगर आपके पास 1 ग्राम पानी है और आपने उसमें ऊष्मा दी और उसका जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, तो उस ऊष्मा को आप क्या कहोगे। ऑप्शन आपके पास है जूल, कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट या सेंटीग्रेड हीट यूनिट। तो उसको हम कहेंगे 1 कैलोरी। क्या कहेंगे, 1 कैलोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द हीट। उष्मा की SI इकाई क्या होगी, यानी कि हीट को आप किस में मेजर करते हो। तो आप सभी को पता है जो हीट है हम किस में मेजर करते हैं, जूल में करते हैं। तो जूल यहां पर हमारा कहां है, बी ऑप्शन में है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए रोड इफ इट इज फाउंड टू बी 100 मीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 100.14 मीटर लॉन्ग एट 100 डिग्री सेल्सियस। भाई एक रॉड है, किसी भी मटेरियल की बनी है, जब उसका टेम्परेचर 20 डिग्री होता है तो वो कितनी है, 100 मीटर लंबी है, लेकिन टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया 100 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया, यानी आपने 80 और इंक्रीज कर दिया, तो उसकी जो लंबाई वो बढ़कर कितनी हो जाती है, 100.14 मीटर हो जाती है। तो आपने बताना इसका जो कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन वो कितना होगा। तो एक फार्मूला आपने यहां यूज करना है, डेल एल यानी कि चेंज इन लेंथ, यानी कितनी चेंज हुआ है लेंथ में, इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। तो डेल एल यानी कितना चेंज हुआ लेंथ में, लेंथ में कितना चेंज हुआ है, 100 मीटर से वो 100.14 हो गया, दोनों को माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 0.14 मीटर। यहां अल्फा है, ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये आपने निकालना है। एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 100 मीटर, तो 100 से गुणा कर दोगे। डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज आया, 20 से कितना हो गया वो 100 डिग्री, तो 100 में से 20 गए कितना हो जाएगा हमारा, 80 डिग्री सेल्सियस। तो जब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे आप तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 0.14 बटे 100 इंटू 80। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.75 इंटू 10^-5 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये आप ऑप्शन में देख सकते हो कहां पर है, बी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपने याद रखना इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर। एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो स्क्वायर का क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कैसे निकलता है, साइड का स्क्वायर करके। तो साइड जो है वो कितनी दी रखी है हमारे, 18। तो 18 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 324, और वैल्यू किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देखो कहां पर है, डी ऑप्शन है, 324। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपने ये फॉर्मूला भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18, 6 एंड 36। आपने 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम कितना होगा वो बताना है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं यहां पर, 12, 18, 6 और 36, इस प्रकार से आप लिख के एलसीएम निकालते हो। तो छोटी वैल्यू उस पे हम इस पे बात करते हैं, तो 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, और ये हो जाएगा 18 2 36। फिर हम 2 पे ही चलाएंगे, 2 3 6, 9 नहीं कटता तो 9 को ऐसे लिखेंगे, 3 भी 2 से नहीं कटता तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, 2 9 18। फिर ये 3 पर हम चलाएंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9। फिर हमारा 3 पर ही जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 1 ऐसे ही, 3 1 3। तो जब तक यहाँ पर 1 ना हो जाए तो हम इसको ऐसे ही करते रहते हैं। तो हमारे पास क्या आया, ये 1 2 4, यानी 2 2 के हैं और 2 3 के, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 4 3 12 और 12 3 36। तो जिसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऑप्शन में कहा सी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, आपने साइन थीटा का फॉर्मूला बताना है। ऑप्शन आपके पास है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि विपरीत भुजा और कर्ण, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो साइन थीटा आपके पास एक ऐसे ट्रायंगल होती है, अगर ये यहां पर थीटा है तो अगर इसका साइन थीटा हमें निकालना हो तो जिसकी अपोजिट साइड है ये जो परपेंडिकुलर होता है ये हम लेते हैं, यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय ये इसका जो हाइपोटेन्यूज है कर्ण है इसको हम डिवाइड कर दे, तो P अपॉन H हम लिखते हैं, तो P क्या हमारी अपोजिट साइड है, इसके सामने वाली साइड है। तो विपरीत भुजा अपॉन करण यानी कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो जाएगा हमारा, साइन थीटा का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529, 529 का वर्गमूल आपने बताना है। 529 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, पीछे से हम 2 जोड़े बनाते हैं तो 2 का जोड़ा बन गया, ये अकेला रह जाता है, अब इसको भाग करेंगे किससे जाएगा, 2 से, तो 2 2 4, यह आ जाएगा हमारा 4, माइनस करोगे 1, ऊपर से जोड़ा ही उतरता है तो 129। अब इस 2 का क्या कर दोगे, यहां पर चिकना कर दोगे 2 से, 2 2 4, अब यहां देखें कितने पर ये जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट अगर 3 पर हम चलाएंगे तो क्या करेंगे, 43 को 3 से गुणा करके देखो, 3 3 9, 3 6 12 कितना आ जाएगा, 129 आ जाएगा। तो ये कितने पे गया, ये 3 पे गया, तो ये आ जाएगा 0। तो कितना आ गया इसका वर्गमूल, 23। ऑप्शन में कहा है बी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th, विच वन इज नॉन मेटल, इनमें से ए धातु कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने बताना है इनमें से नॉन मेटल कौन सा है।
ऑप्शन आपके पास मरकरी, ग्रेफाइट, ब्रास या आयरन। तो आप सभी को पता होगा जो मरकरी है वो भी हमारी क्या होती है, मेटल होती है, ब्रास भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, केवल जो ग्रेफाइट है वो क्या हमारा मेटल नहीं है, और यही पूछा गया है कौन सा नॉन मेटल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, या इसके साथ शीट के हिसाब से कितना है 53 है, वैसे कितना है ये आज की वीडियो का 13वां क्वेश्चन है। विच मेटल इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग द कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट, मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, आपने बताना है जो मशीनरी पार्ट है उसको बनाने के लिए हम कौन सी धातु सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपके पास है ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन या रोट आयरन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है हमारा, ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन का हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं मशीन पार्ट बनाने के लिए, ग्रे कास्ट आयरन को हम हिंदी में बोलते हैं दूसर डलवा लोहा। तो ये जो अभी क्वेश्चन चल रहे ना हमारे साइंस के हैं, क्योंकि जो WCS क्या होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, तो ये साइंस के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, इससे पहले हमारे किसके थे वो हमारे मैथ के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अलॉय स्टील इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, आपने ये बताना है। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ऑप्शन आपके पास सिलिकॉन स्टील, मैग्नीज स्टील, वेनेडियम स्टील या कोबाल्ट स्टील। तो आपने याद रखना है जो कोबाल्ट स्टील है उसका प्रयोग हम करते हैं जो परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती है उसके लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग फाइल्स एंड कोल्ड चीजल, रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील। तो रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए हम करते हैं HCS का प्रयोग, हाई कार्बन स्टील। तो मोस्टली जो टूल है इसी के बने होते हैं HCS के, तो आपने ये भी याद रखना है हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं हम फाइल और कोल्ड चीजल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 या 16th, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड इफ डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करें। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कैसे निकलती है, फॉर्मूला देख लेते हैं। वो निकलती है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल आपको दिया है उसकी डेंसिटी, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जो डेंसिटी आपको दी गई है वो कितनी दी है, 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है ग्राम में देखा जाए तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो इन दोनों को भाग करोगे क्या आ जाएगा, 19.5 ही आ जाएगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई यूनिट भी नहीं होती। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ है, ये डी में है 19.5। तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉलिड की, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसकी क्या हो जाएगी, 19.5। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। वट इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF के लिए क्या सूत्र है, ये डायरेक्टली आपने याद रखना है। जो इंड्यूस्ड EMF है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है BLV साइन थीटा। तो देख लो कहां पर है ये रहा, सी ऑप्शन में है BLV साइन थीटा वोल्ट। तो ये आपने याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला है, और जो EMF है वो किसमें मापी जाती है, वोल्ट में मापी जाती है, इसलिए इसके पीछे वोल्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द गुड कंडक्टर, कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब है सुचालक है, जिसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से गुजर सकती है। तो वेरी गुड कंडक्टर के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन आपके पास है कॉपर, कास्ट आयरन, रोट आयरन, स्टील। देखो जो बिजली है इन सब में से पार हो सकती है, लेकिन वेरी गुड की पूछा गया तो कॉपर है, ये सबसे अच्छा कंडक्टर है, सुचालक है बिजली का। तो इसके लिए आंसर हमारा राइट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तांबा। तांबे के बहुत से तार यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग में लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the power required? I is equal to 0.45 ampere and R is equal to 484 ohm. आपने P बताना, पावर की वैल्यू बतानी है आपको, जो I है करंट और रेजिस्टेंस दिया गया। जो P का फार्मूला होता है वो होता है हमारा I square R। तो इसमें हम अगर वैल्यू पुट कर दें, I की वैल्यू कितनी है 0.455, इसका कर देंगे हम स्क्वेयर गुणा R, जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 484 ohm। तो जब इस फॉर्मूले को आप सोल्व करोगे, यानी इसको स्क्वायर करके जब इससे गुणा करोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 100.2 वाट। तो ऑप्शन में देख लेते हैं ये कहां पर है, ये रहा हमारा 100.2 वाट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये WCS का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, प्रयास द्वारा चलित दूरी और भार द्वारा तय गई दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी या
फल कर्म। तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय, ये दे लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, इन दोनों का जो रेशियो है, जो वैल्यू है, वो किसके बराबर होती है, वेलोसिटी रेशियो के बराबर होती है। तो ऑप्शन में वेलोसिटी रेशियो हमारा बी में है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन WCS के। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर दे अगर आपको वीडियो पसंद आई है। तो आप इस तरह के और किस ट्रेड के क्वेश्चन चाहते हो ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो साथी नया है चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि उसको आगे आने वाली वीडियो भी समय से मिलती रहे। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे ES के, जो कि इसी पेपर से लिए गए हैं। और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ये भी सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है, तो सभी ट्रेड के बच्चों के लिए ये जरूरी होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।